जगत जननी सीता का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। 11 दिसंबर यानी कल भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपना नया सीएम चुन लिया। मोहन यादव के नाम पर फाइनल मोहर लग गया है। बीजेपी के इस निर्णय का असर सीधे बिहार पर दिख रहा है। बिहार के कई नेताओं का बयान भी आ गया है। सुशील मोदी ने तो ट्वीट में ही कह दिया कि आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। सुशील मोदी के इस ट्वीट के क्या मायने हो सकते हैं, ये तो जातियों के बारे में खास जानकारी रखने वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि बिहार की जाति सर्वे के बाद भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद गडेरिया जात से आते हैं। लेकिन सुशील मोदी के ट्वीट का एक मतलब यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट से यह संदेश देने की कोशिश की है कि आरजेडी में लालू परिवार के अलावा किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, जबकि भाजपा ने यह कर दिखाया। उधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो सीधे मोहन यादव पर ही अटैक कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी खुद को राम भक्त कहती है, लेकिन मोहन यादव खुद सनातन विरोधी हैं। उन्होंने मां सीता का अपमान किया है। मध्य प्रदेश के नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जिनको बनाया जा रहा है, उनका यह मंतव्य है कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था। सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी बल्कि आत्महत्या की थी। जगत जननी सीता, उनके बारे में यह कहना कि तलाक हुआ था, आत्महत्या किया था उन्होंने, ये तो सीधे तौर पर मां सीता का अपमान है और ये बिहार की धरती है। जगत जननी सीता का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। इसके अलावा बिहार के और भी कई नेताओं के बयान आए हैं। आरजेडी कह रही है कि मोहन यादव को जाति जनगणना और आरक्षण के काउंटर के लिए सीएम बनाया गया है, लेकिन बिहार में भाजपा की ये चाल लालू यादव के सामने नहीं चल पाएगी। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि भाजपा के इस फैसले के क्या मायने हैं। बिहार में आए हालिया जातीय सर्वे के मुताबिक यहाँ यादवों की जनसंख्या 14.30% है। बिहार में हर चौथा विधायक यादव समुदाय का है। यहाँ तक कि नीतीश तेजस्वी सरकार में 31 में से 7 यादव को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति पर यादवों का कितना प्रभाव है, इसे आराम से समझा जा सकता है। यही वजह है कि जाति जनगणना और जाति विशेष की पॉलिटिक्स पर भले ही भाजपा सवाल उठाए, लेकिन इनके पास भी यादव नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। बिहार में भाजपा के पास नित्यानंद राय जैसा एक बड़ा यादव चेहरा है, तो हुकुम देव नारायण यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव, अशोक यादव, ओम प्रकाश यादव, राम सूरत राय, नवल किशोर यादव सरीखे कई कद्दावर नेता भी हैं। इसके बावजूद भाजपा लालू यादव की वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पा रही है। पिछली दो लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक यादवों का वोट पाने में बीजेपी सफल रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा के ये तमाम नेता अपने समाज का वोट दिलाने में असफल रहे हैं। मोहन यादव की बात करें तो बीजेपी इससे पहले भी बिहार में कुछ बड़े दांव खेल चुकी है। साल 2016 से 2019 तक भाजपा ने नित्यानंद राय को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद 2020 के चुनाव में भूपेंद्र यादव को बिहार चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन ये दोनों कद्दावर नेता भी आरजेडी के वोट बैंक को हिला नहीं पाए। अब देखना यह होगा कि जाति जनगणना और बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के नए यादव सीएम के सहारे भाजपा लालू के गढ़ को कैसे तोड़ पाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।